कक्षा दसवीं के छात्रों के लिए लेकर आए हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024 का। कक्षा दसवीं का विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपका 24 सितंबर को होना है, उसका रियल पेपर है दोस्तों। 100% यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको 75 अंकों का ये प्रश्न पत्र रहेगा और 3 घंटे का इसमें समय रहेगा। और मैं आपको बता दूं, 100% आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। 1 से 5 तक 1 अंक, 6 से 17 तक 2 अंक, 18 से 21 तक 3 अंक और 21 से 23 तक आपको 4 अंक मिलेंगे। चलते हैं सीधा प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। वे उत्पादक जिन पर जीव निर्भर रहते हैं, द्वितीय उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक, तृतीय उत्पादक या इनमें से कोई नहीं। तो वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं, उसका राइट आंसर है प्राथमिक उत्पादक। नेक्स्ट, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो गंगा नदी, महानदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हीराकुंड परियोजना, वो महानदी तट पर बनाई गई है। नेक्स्ट, इसका औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मानव विकास, US डॉलर, सीमांत आय या प्रति व्यक्ति आय। तो जो औसत आय है उसको जो जाना जाता है, वो जाना जाता है प्रति व्यक्ति आय के नाम से। नेक्स्ट, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? 1992, 1994, 1991 या फिर 1995। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, 1992। अब चलते हैं नेक्स्ट, बाल्कन क्षेत्र में निवासियों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बा स्लाव, ऑप्शन सा टामटोल्स या ऑप्शन दा, इनमें से कोई नहीं। तो बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को स्लाव कहा जाता था। नेक्स्ट, लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? ऑप्शन ए राजतंत्र, राइट आंसर है शासन चलाना। ये थे आपके दोस्तों सही विकल्प, जो कि आपके 1-1 नंबर के थे। तो रट लीजिए, 100% यही पेपर आपको 24 सितंबर को देखने को मिलेगा। आप चलते प्रश्न क्रमांक 2, सही रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सत्ता की साझेदारी की आत्मा है, तो जो सत्ता की साझेदारी की आत्मा है वो है लोकतंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। दूसरा, इसका छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजाति निवास करती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6। तीसरा, इसका 100 दिनों की रोजगार योजना को कहा जाता है, तो इसका जो 100 दिनों की रोजगार योजना को कहते हैं हम मनरेगा। नेक्स्ट, इसका खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जी हाँ दोस्तों, खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, हमारा भारत। नेक्स्ट, विश्व की सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान में होती है। जी हाँ दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक जो वर्षा है वो होती है मौसी राम में। अब चलते हैं नेक्स्ट, मानव विकास की रिपोर्ट खालिस्तान संस्था जारी करती है। जी हाँ दोस्तों, जो मानव विकास की रिपोर्ट है वो UNDP जारी करता है, तो ये संस्था जारी करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मैं आपको बता दूं, कक्षा दसवीं का विषय का पेपर है आपका रियल पेपर, 100%। अब चलते हैं सही जोड़ी, ये आपका पहले का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बिहार, और जो दूसरे का राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका एकात्मक शासन व्यवस्था, रोलेट एक्ट। तो जो दूसरे का राइट आंसर, ये चौथे का हो जाएगा गा, और ये नेक्स्ट इसका हो जाएगा पहले का खा, और चौथे का हो जाएगा गा, और ये पांचवें का हो जाएगा आपका घा 1833, और आपका छठे का हो जाएगा का उत्तराखंड, और आपका जो ये श्रीलंका है ये हो जाएगा आपका दूसरे का, और ये तीसरे का हो जाएगा बेल्जियम। तो ये थी आपकी सही जोड़ी, ये प्रत्येक सही जोड़ी पर 1-1 अंक आपका आवंटित है, 1-1 अंक आपको मिलेगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो जो पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव है वो 19 दिसंबर 1929 को हुआ था। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका राइट आंसर है जनता के प्रति। नेक्स्ट, इसका कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? जी हाँ दोस्तों, टिहरी में एक आंदोलन चलाया गया था, उसका नाम है बीज बचाओ आंदोलन। तो इसका राइट आंसर है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट, आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को किसने कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो ये हुआ था आपका 18 मार्च 1919 को। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5, सत्य का चयन करके लिखिए, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, ये सत्य है। भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल भोपाल में है, ये आपका असत्य है। नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ, सत्य। चौथा आपका ये भी सत्य। पांचवा है आपका, श्रीलंका गृह युद्ध की समाप्ति 2009 में हुई,
ये भी सत्य। और छठा है आपका मानव विकास सूचकांक को HDI कहते हैं, ये भी आपका सत्य। आप चलते हैं नेक्स्ट, ये आपका प्रश्न क्रमांक 6, मृदा संरक्षण के कोई दो उपाय अथवा जलोण मृदा कोई दो विशेषताएं। 7, मृदा निम्नीकरण क्या आशय है अथवा राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। 8, विचारधारा का आशय समझाइए, उदारवाद का अर्थ। 9, बहिष्कार शब्द का अर्थ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 10, प्रथम विश्व युद्ध केंद्रीय शक्तियाँ कौन सी थी। 19वीं सदी यूरोप में कौन सी समस्याएं थी। तो ये आपके क्वेश्चन, ये आपका प्रश्न क्रमांक 11, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार है अथवा गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है। 12, मनरेगा को स्वदिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं अथवा सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। 13, जीवन प्रत्याशा क्या है अथवा, ये आपका 11, इसको भी आप कर लीजिए 100% दोस्तों, रियल पेपर है, 24 सितंबर को आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। जीवन प्रत्याशा क्या है। 13, मुद्रा के प्रयोग वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे होती है। 14, मुद्रा में आधुनिक रूप से कौन से ऋण औपचारिक स्रोत कौन कौन से हैं। 15, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का प्रकार लिखिए, भारत के संसाधनों संरक्षणों कोई दो उपाय। 16, मृदा क्या आशय है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। 17, लोकतंत्र की परिभाषा कीजिए। 18, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है। 19, ऋण में विकास में ऋण की भूमिका समझाइए। 20, परिस्थितिक तंत्र वन परिस्थितिक तंत्र उपयोगिता बताइए। 21, आर्थिक महानदी नेक्स्ट, ये आपका 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन की चरण व्याख्या कीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन व्याख्या। प्रश्न क्रमांक 23, संघीय शासन। तो ये था दोस्तों आपका कक्षा 10वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपका 24 सितंबर को होना है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।